हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिल्पी शर्मा आज इम्यूनोलॉजी में नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करने आई हूँ। नॉन स्पेसिफिक का मतलब जैसे नाम से ही समझ में आता है कि ये पर्टिकुलर किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस के लिए नहीं है, किसी भी पैथोजन या किसी भी एंटीजन के लिए जो हमारी बॉडी डिफेंड करती है वो कहलाता है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम मोटे तौर पर कहें तो इट इज़ द डिफेंस ऑफ आवर बॉडी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पैथोजन। किसी भी प्रकार के एंटीजन के लिए हमारी जो रेजिस्टेंस होती है बॉडी की वो नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाता है। इसको हम 6 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। पहला है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड इज फेगोसाइटोसिस, थर्ड इज इन्फ्लेमेशन, फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस एंड इंटरफेरॉन्स। ये 6 पार्ट्स जो है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को स्पेसिफाई करते हैं। अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। स्किन हमें पता है कि हमारा आउटरमोस्ट बैरियर है और स्किन ही हमारी बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि बाहरी और अंदर के एनवायरनमेंट के बीच में एक ढाल बनी हुई है। स्किन के कारण कोई भी चीज़ आसानी से हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। और दूसरी चीज़ है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन इनर लाइनिंग बनाती है हमारे ऑर्गन्स की और इस तरीके से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करती है। तो ये दोनों चीज़ें बैरियर के तौर पर हमें रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं। ये बाहर के आने जाने वाले किसी भी कण को बाहर की तरफ ही रोक देती हैं। इसमें जो हम डिवीज़न पढ़ते हैं वो है मैकेनिकल फैक्टर। मैकेनिकल मींस जो मैकेनिकली किसी चीज़ को रोक दे आने से वो होता है मैकेनिकल फैक्टर। इसमें हम दो पार्ट्स को स्टडी करते हैं। पहला है लैक्राइमल अपैरेटस और ग्लैंड्स, ग्रंथियाँ जो होती हैं। तो लैक्राइमल वर्ड जो है आईज़ के लिए इस्तेमाल होता है, आँखों के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हमें पता है कि आँखों में जब कोई भी बैक्टीरिया या कचरा ही जाता है तो हमारी आँखों से आंसू आने लगते हैं और ये आंसू जो है एक तो वॉशिंग करते हैं और दूसरा लो पीएच होने के कारण उनको डाइजेस्ट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं। अदर ग्लैंड के सिक्रीशन अगर हम बात करें, सलाइवरी ग्लैंड हमें पता है, सलाइवा का पीएच और सलाइवरी ग्लैंड्स जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के कारण माइक्रोब्स को डाइजेस्ट करती हैं। और दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज़। म्यूकस मेम्ब्रेन जो नोज़ की है, हमको पता है कि हम जो भी इनहेल करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हवा में अंदर जाती है तो नाक की जो मेम्ब्रेन है उसको वो रोक देती है और इस कारण ये हमें किसी भी चीज़ की एंट्री से हमें बचाते हैं। दूसरा चीज़ जो हम स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में पढ़ते हैं वो है केमिकल फैक्टर। केमिकली गैस्ट्रिक जूस जो हमारे डाइजेस्टिव जूस जिसको हम बोलते हैं, हमें पता है हमारे स्टमक में एचसीएल रिलीज़ होता है जिसका पीएच 1.2 है जो कि स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है और इस एसिडिक पीएच पर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर जाता है तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है एचसीएल के कारण। इस तरीके से ये भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ इम्यूनिटी या रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। दूसरे होते हैं एंजाइम्स, लाइपेज, प्रोटीएज, और ये सारे एंजाइम्स जो हैं डिग्रेड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। और एक और फैक्टर जिसको हम बोलते हैं सीबम। सीबम ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, ये जनरली हेयर्स में प्रेजेंट होती हैं और ये अपने सिक्रीशन के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिपेल करती हैं। तो इस तरीके से ये जो है स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन काम करती है हमें नॉन स्पेसिफिकली प्रोटेक्ट करने में। दूसरी चीज़ जो हमें प्रोटेक्ट करती है वो है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस दो वर्ड से मिलकर बना है, फेगो प्लस साइटोसिस। फेगो मीन्स ईटिंग, साइटोसिस मतलब सेल। सेल को इंगल्फ करना या खाने की प्रक्रिया कहलाती है फेगोसाइटोसिस, जिसको साधारणतः सेल ईटिंग भी बोलते हैं। सेल ईटिंग जो है उसमें 4 स्टेप्स होते हैं। पहला कीमोटैक्सिस, दूसरा अटैचमेंट, तीसरा इंजेशन और चौथा डाइजेशन। कीमोटैक्सिस की अगर हम बात करें, कीमोटैक्सिस मींस अट्रैक्शन वाया केमिकल। जब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कोई भी फेगोसाइट सेल, फेगोसाइट को हम अलग वीडियो में स्टडी करेंगे जो कि ग्रैन्युलोसाइट और ए ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में है। तो फेगोसाइटिक सेल हमारी बॉडी की ब्लड सेल्स हैं, WBC जिनको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं। ये फेगोसाइट्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस के बाद आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अटैच हो जाती है फेगोसाइट से।
और एक प्लाज्मा प्रोटीन रिलीज करती है, उस प्लाज्मा प्रोटीन को हम बोलते हैं ऑप्सोनिन, और जो प्रोसेस है वो कहलाती है ऑप्सोनाइजेशन। इसमें माइक्रोबियल सेल फेगोसाइटिक सेल से अटैच होकर इंगल्फ होती है। जो थर्ड प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस की वो है इंजेशन। इंजेशन मतलब उसको अंदर लेना, जिसको हम एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। इस प्रोसेस में जैसे ही अटैचमेंट होती है, एक प्रोजेक्शन लाइक, प्रोजेक्शन मतलब एक उभार निकलता है फेगोसाइट की मेम्ब्रेन से, और उस उभार को हम बोलते हैं स्यूडोपोड। ये स्यूडोपोड जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ करते हैं, निगल लेते हैं, और इस प्रोसेस को, निगलने की प्रक्रिया को कहते हैं इंजेशन। जब इंजेशन हो जाता है और उस जो एक स्ट्रक्चर बनता है इंजेशन के बाद, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फेगोसोम। फेगोसोम के बाद बनने के बाद जो फोर्थ स्टेप होता है फेगोसाइटोसिस का, वो है डाइजेशन। डाइजेशन में एक अलग ऑर्गेनेल का यूज़ होता है, जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो जिसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जब फेगोसोम से कंबाइन होता है तो ये एक नया स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम बोलते हैं फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम्स हैं, पेप्टाइडेजेस हैं, लाइपेजेस हैं, और बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ साथ बहुत सारी जो इंटरनल ऑर्गेनेल्स हैं उनको किल करता है, और इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की किलिंग होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है फेगोसाइटोसिस का। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लीजिए माइक्रोबियल सेल है, ये माइक्रोबियल सेल सबसे पहले कीमोटैक्सिस के थ्रू, ये फेगोसाइटिक सेल है जो बड़ी सी बनाई हुई है, ये फेगोसाइटिक सेल के पास अट्रैक्ट हुई और फिर इससे अटैच हुई। अटैच होने के बाद ये एक इंटरनलाइजेशन या इंजेशन की प्रक्रिया हुई, ये स्यूडोपोड बने, और इंजेशन के बाद ये फेगोसोम, इन्होंने एक अलग चैम्बर बना लिया। फेगोसोम लाइसोसोम से कंबाइन हुआ, फ्यूजन हुआ, और ये बना फेगोलाइसोसोम। फेगोलाइसोसोम क्योंकि ये एंजाइम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये एंजाइम्स ने डाइजेशन किया, और जो माइक्रोबियल सेल ये थी ये डाइजेस्ट होकर टुकड़े में टूट गई। इसके बाद इनकी एक्सोसाइटोसिस हुई और सेल ने ये डेब्रिस को बाहर निकाल कर फेंक दिया। इस तरीके से एक कंप्लीट माइक्रोब जो था वो यहाँ पर अंत में डेब्रिस या कचरा बनाकर निकाल दिया गया। तो ये प्रोसेस होती है फेगोसाइटोसिस की, एंड इट इज़ द नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट थिंग जो हम बात करते हैं वो है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन को हम अगर साधारण भाषा में समझना चाहें तो जब कोई चींटी काट देती है या कोई मधुमक्खी काटती है और उस एरिया में जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उसको हम इन्फ्लामेशन का नाम दे सकते हैं। ये जनरल द रिज़ल्ट ऑफ डैमेज ऑफ बॉडी टिश्यू। जब बॉडी टिश्यू डैमेज होते हैं उसके फलस्वरूप इन्फ्लामेशन होता है। इसके चार सिम्टम्स होते हैं, पहला स्वेलिंग, पेन, रेडनेस एंड हीट। स्वेलिंग को ये दूसरी भाषा में कहते हैं ट्यूमर, डॉलर, रूबर एंड कॉलर। ये चार डिफरेंट टर्म्स हैं, इसके लिए यूज़ होती हैं, और ये चार सिम्टम्स अराइज होते हैं। जब कहीं भी टिश्यू इंजरी होती है तो सबसे पहले स्वेलिंग होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है। जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है तो पेन बढ़ता है, और ब्लड के सर्कुलेशन के कारण वहाँ रेडनेस अपीयर होती है, और जब टिश्यू को फेगोसाइटोसिस वहाँ पर होती है तो वहाँ पर हीट उत्पन्न होती है। तो ये चार मेन सिम्टम्स हैं इन्फ्लामेशन के। और अगर हम प्रोसेस की बात करें तो बेसिकली तीन प्रोसेस होती हैं इन्फ्लामेशन में। पहली वैसोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड परमेबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। वैसोडाइलेशन का मतलब है वेसल्स का डायलेशन, चौड़ा होना, जिससे कि ब्लड का फ्लो उस इन्फेक्टेड एरिया में अचानक से बढ़ जाता है। दूसरा है फेगोसाइटिक माइग्रेशन, क्योंकि ब्लड का फ्लो बढ़ा है मतलब ब्लड सेल्स वहाँ पर जाएंगी तो फेगोसाइटिक सेल्स वहाँ पर माइग्रेट होंगी, इसलिए वहाँ पर स्वेलिंग आ जाएगी, और फेगोसाइटिक सेल्स फेगोसाइटोसिस परफॉर्म करेंगी और जो भी डैमेज का कारण है उसको डिस्ट्रॉय करेंगी, सो इट विल कम विथ रिपेयर। सो ये तीन प्रोसेस हैं इन्फ्लामेशन की। चौथी प्रोसेस जो हम बहुत कॉमनली जानते हैं, जिसके बारे में नॉन स्पेसिफिक डिफेंस में, वो है फीवर। फीवर हम सभी जानते हैं, और फीवर मतलब टेम्परेचर का बढ़ना।
हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट पर सेट कर रखता है, जिसे थर्मोस्टेट बोलते हैं। जब एंटीजन, कोई भी एंटीजन हमारे हाइपोथैलेमस पर जाकर अटैक करता है या बॉडी पर अटैक करता है, तब बॉडी उसको मारने के लिए हाई टेम्परेचर जनरेट करती है और इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में फीवर कहते हैं। फीवर तब तक नहीं उतरता जब तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंडोटॉक्सिन या टॉक्सिन सिक्रीट आउट करते रहते हैं, तब तक बॉडी का टेम्परेचर हाई रहता है। जैसे ही वो नॉर्मल कंडीशन या डैमेज हो जाते हैं ऑर्गेनिज़म्स या टॉक्सिन्स, तब ये टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है और फीवर हाई टेम्परेचर के कारण माइक्रोब्स के जो एंजाइम्स हैं वो काम नहीं कर पाते और इस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये भी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है। नेक्स्ट वन इज़ द एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। हमें पता है कि हमारी बॉडी बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस को बनाती है, जिसमें मेनली प्रोटीन्स होते हैं और ये प्रोटीन्स कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या प्रोपरिन के नाम से जाने जाते हैं। इनकी तीन फैमिलीज़ हैं, C1, C2 एंड C3। ये फैमिलीज़ जनरली एंटीबॉडी के जनरेशन, एंटीबॉडी की बाइंडिंग और माइक्रोब या एंटीजन के रिमूवल से रिलेटेड है। इस तरीके से ये सब्सटेंसेस एंटीजन या माइक्रोब्स की किलिंग में हेल्प करते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट इज इंटरफेरॉन्स। इंटरफेरॉन्स अभी हम नाम सुन रहे हैं। इंटरफेरॉन्स आर बेसिकली एंटीबॉडीज, और अगर हम कहें तो दे आर द एंटीवायरल प्रोटीन्स। ये जनरली एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। जब नॉर्मल केसेस में हमारी बॉडी में वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे वायरल फीवर होता है, तब हमारी बॉडी इंटरफेरॉन्स का निर्माण करती है और उस वायरस को डिस्ट्रॉय करती है। एक्चुअली वायरसेस जो हैं वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शरीर के अंदर जाकर सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अडॉप्ट करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। उसके लिए इंटरफेरॉन्स का, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंटरफेरॉन्स का निर्माण होता है। ये तीन कैटेगरी में होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। IFN इंटरफेरॉन्स का शॉर्ट फॉर्म है और इस तरीके से ये इंटरफेरॉन्स बनकर वायरसेस को डिस्ट्रॉय करते हैं। सो ये छह कैटेगरी जो हमने स्टडी की, ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। और अगर स्टूडेंट्स हम बात करें इंटरफेरॉन्स की, तो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं और इस तरीके से हम इसको स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्यूनिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सो दैट इज़ ऑल। ओके, थैंक यू।